स्वराज्य संकट है अपन जानता या शत्रुला हर। हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का और एक एपिसोड के लिए स्वागत है। अंदर की नमस्कार और सगड़ा माजा नमस्कार। दोस्तों, आज एक बहुत हिस्टोरिकल महाराष्ट्र मूवी का ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन देंगे और ये मूवी इज वन ऑफ द बेस्ट मूवी विजुअली। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, दिस मूवी इज जस्ट एन अमेजिंग मूवी एंड इट इज अबाउट द छत्रपति शिवाजी महाराज जो हम सब का फेवरेट है। तो दोस्तों, ये मूवी का नाम है शेर शिवराज। शेर शिवराज क्यों आया है ये नाम शेर शिवराज? शेर शिवराज इसकी वजह से आया कि वो शेर की तरह अफजल खान का वध किया है, इसी के कारण शायद इसका नाम शेर शिवराज रखा है। अगर आप पोस्टर के ऊपर देखोगी ना, वो ऐसा करता है एंड इवन मेरा क्या बोलते हैं चैनल का पोस्टर के पीछे आप देखिए, ऑब्जर्व किया क्या, कितने लोग ऑब्जर्व किया है। तो मैं उतना बड़ा फैन हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज का। वो तो लाइक उससे मानने लगा हूँ मैं एंड ऑल्सो उसका जो किरदार निभाया है चिन्मय जी का, एब्सोल्युटली बहुत बहुत अद्भुत काम किया है उसने। तो चलिए फ्रेंड्स, हम उस ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन करेंगे। पहला मेरा एक रिएक्शन किया था लेकिन वो पिछले चैनल ने डिलीट कर दिया है एंड बट गॉन इज गॉन। तो अभी मैं शेर शिवराज के ऊपर रिएक्शन करूँगा। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। या पुण्यभूमीवर सध्या हजारो हिरण्यकश्यपू धुडगूस घालतायत। भाजलाय तो रेडाक्षी महिषासुरवाणी सौता हातात घन घेऊन जगदंबेवर घाव घातला। मानसन हाईत हाईवान हाईत हाईवान। अफजल खान की दहशत ही अफजल खान की ताकत है। आपल्या प्राणापेक्षा प्रिय आपला भगवा थेट आदिलशाहीच्या छाताडात नेऊन काढायचा। आपके बेटे ने खुलेआम बगावत का आगाज किया है। है कोई सूरमा जो उस नामाकुल सिवा को हमारे कदमों में लाकर पटक सके? कोई नहीं। मैं अफजल खान शिवा को आपके सामने लाऊंगा, जिंदा या मुर्दा। दीन के दुश्मन शिवा को निस्ते नबूद करने तक हम ये मुहिम मुकर्रर ही रखेंगे। क्या बात है? आता अफजल खानास मारून करतीस मिळवतो। स्वराज्य संकटात आहे आपण जाणताच, या शत्रूला हर प्रयत्ने मारायचं आहे। शिवा से कहो उसका मुझसे मिले बगैर कोई चारा नहीं। त्याचा अहंकार वाढवा होणार नाही। क्यों? वो डरते हैं आपसे। आपसे कौन नहीं डरेगा? काबारले या युद्धाची समरभूमी किल्ले प्रतापगड तुकडे तुकडे झाले तरी बी कना कनान झुजतो रे। एक अकेला शिवा 1000 किलो के बराबर है। या शुंबऱ्यावर आपण कलियुगातल्या हिरण्यकश्यपूला महाराष्ट्राच्या दगडा दगडातल्या नरसिंहांचं दर्शन घडवूया। अरे अरे शिवाजी, शिवाजी जिसे कहते हैं, क्या ये वही है? हे मराठ्यांचं अमुक्त शस्त्र घडवायला घ्या। शेर शिवराज है। आप सब लोगों को गुजराम दिख रहा है क्या? दिख रहा है? क्या बताऊं मैं आप लोगों को, मैं इस मूवी का ना मैं पागल की तरह फैन हूं। मैं ऐसा एलिवेटेड ट्रेलर अगर आप देखोगी ना, ऐसा एलिवेशन आई डोंट थिंक किधर भी आप नहीं देखोगे। और ये हिस्ट्री का एक ब्यूटीफुल अद्भुत पन है जहाँ पे अच्छाई बुराई के ऊपर जीतता है, जहाँ पे चरित्र में सुवर्णाक्षर से लिखा हुआ है। ये एक एपिक है, ये एक कहानी है लेकिन सच है। हमारा वीर मराठा का जो राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का है, मैं उसका नाम भी ले रहा हूँ ना, आजकल मेरे क्या बोलते हैं रोंगटे खड़ा हो रहे हैं, रोंगटे। बहुत कुछ सीखने को ऐसे महापुरुष से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। मेरा लव फॉर हिस्टोरिकल महाराष्ट्रन मूवीज इज सो मच, सो मतलब मैं बोल भी नहीं सकता आप सब लोगों को मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। आप सब लोग देखिए चिन्मय जी क्या काम किया है, क्या काम किया है। एंड all respect to Mukesh Rishi, he has done a wonderful job as अफजल खान। उसको देखे तो आप लोग हेट करोगी ना, मतलब वो बुरा है इसकी वजह से आप हेट कर रहे हो, क्योंकि वो गलत काम कर रहा है इसकी वजह से आप हेट कर रहे हो, राइट। वो गलत काम कर रहा है इसकी वजह से आप हेट कर रहे हो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन। ये मूवी के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप कितना भी बात करो ना उतना कम है। ये मूवी में हर एक जो भी काम किया है, ये मूवी में बैकग्राउंड म्यूजिक जो दिया है, और ये मूवी में जो फाइट्स दिखाया है, ये मूवी में जो क्या बोलता है अंतिम में वध दिखाता है। दिस ट्रेलर इज जस्ट ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल माय फ्रेंड्स। हिस्ट्री इज अमेजिंग। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं नरसिम्हा, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी। बहुत ब्यूटीफुल है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये है मेरे रिएक्शन ऑन दिस ट्रेलर। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगे। डू प्लीज सपोर्ट द चैनल बाय सब्सक्राइबिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टेक केयर।